मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बच्चों। मैं मिस स्मिता गणात्रा फ्रॉम गुंदावली मुंबई पब्लिक स्कूल आज आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी विषय पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, आपने छठी कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। आज यह कविता मैं आपने आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आज तक आपने कई प्रकार के कविताएं, कई प्रकार के पाठ, गद्य पद्य, ये सभी का लुत्फ उठाया होगा। आज जो मैं आपको कविता पढ़ाने जा रही हूँ वो एक कविता नुमा एक गजल है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। देखिए बच्चों, आज हम जो एक गजल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता के कवि या तो गजलकार हम कहेंगे वो है रमेश दत्त शर्मा जी। ये आपके पुस्तक में क्रमांक 6 पर ये पोएम आपको दी गई है। तो सबसे पहले हम इन कविता के लिए इस कविता के या तो इस गजल के गजलकार है रमेश दत्त शर्मा, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी है। कवि होकर भी इनका विज्ञान के प्रति बहुत ही रुचि थी, बहुत ही लगाव था, और उस लेखन के लिए उन्हें दर्जनों से ज्यादा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। श्री रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म 4 मार्च 1939 में उत्तर प्रदेश में आए जलेसर एटा में हुआ था। श्री रमेश दत्त शर्मा 7वीं-8वीं कक्षा से ही चचा जलेसरी के नाम से स्थानीय मुशायरों में शिरकत करने लगे थे। वे पिछले 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार एवं प्रसार करते रहे। विज्ञान लेखन में उन्हें अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों राष्ट्रपति भवन में मिला आत्माराम पुरस्कार, ICAR का सर्वश्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता का पुरस्कार तथा इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी का इंदिरा गांधी पुरस्कार उल्लेखनीय है। छात्रों, कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और हमारे ये जो कवि है वो साथ में विज्ञानी भी है। तो यहाँ पर हमें ये कह सकते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि और वैज्ञानिक। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। विज्ञान में रुचि रखते हुए भी कवि की कविताएं नहीं छूटी, वो हमेशा कागज कलम पर उतरती रही। अब आज की ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर श्री शर्मा जी गजल नुमा कविताओं में पर्यावरणीय चिंता, सामाजिक एवं मानवीय सरोकारों के प्रति अति गंभीर थे। वर्तमान समय की शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिस पर कवि ने अपनी कलम न चलाई हो। प्रस्तुत गजल में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना इत्यादि गुणों का प्रकट किया है। तो आइए देखते हैं यह कविता। सबसे पहले इस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। आप अपने पास पुस्तक होगा
उसे खोलकर साथ में मन में पढ़ सकते हैं। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। जुबां वक्त पर बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। तो तड़क हो या फिर हो तो तुम्हें में, तड़क हो या फिर हो तो तुम्हें में, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले, रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। बात पे बात कोई चुभने लगे तो, बात पे बात कोई चुभने लगे तो, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा होंठ सी करके बैठो, ये किसने कहा होंठ सी करके बैठो। जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। अब हम एक एक पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। सबसे पहली दो पंक्तियां हैं, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बच्चों, जो हमारी बोली होती है, जो हमारी भावनाएं होती है, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा में हमें कवि यहाँ पर शहद घोलने की सीख लेने के लिए कह रहे हैं। शहद घोलना मतलब क्या, कि हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। आपको पता है, किसी भी व्यक्ति का परिचय जो है वो उसके मुखमंडल से नहीं बल्कि उसकी वाणी से होता है। कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसकी वाणी शहद भरी या तो मिठास भरी नहीं होगी, जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करता होगा, उसका इम्प्रेशन वहीं पर हम कहेंगे कि वो आदमी बहुत सीधा नहीं है, ऐसा हमारे आ जाएगा। तो दिखता इतना अच्छा है, लेकिन बोलने से, जो उसके मुंह से जो बोल निकलते हैं, उसी से उसकी कीमत तय की जाती है। तो हम जब भी बोले, मीठा बोले,
सोच समझ कर प्यार से बात करें। अगर हम प्यार से बात करेंगे तभी हमारे सामने वाला हमसे भी प्यार से बात करेगा। यानी वाणी में शहद घोलना जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। क्योंकि जब हमें किसी से कुछ काम करवाना है या किसी के साथ में हमें काम करना है तो अगर हम प्यार से बोलेंगे तब हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे। और किसी से काम अगर निकलवाना भी है तो अगर आप प्यार से बोलोगे तभी आपका काम सहज और आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि बोलने से ज्यादा ऊर्जा खत्म होती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। हम जितना बोलेंगे उतनी हमारी ऊर्जा जो है वो खत्म होती है। और वही ऊर्जा अगर हम संभाले रखेंगे तो इस ऊर्जा का हम कहीं और अच्छे कार्य में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। उसको कहीं सकारात्मक कार्य में हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कवि इस पंक्तियों द्वारा हमें यह सीख देता है कि हमें अपनी वाणी में शहद घोलना है यानी कि मिठास घोलनी है और मीठा बोलना है। जब भी बोले मीठा बोले, सोच समझ कर बोले और दूसरी बात जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। अब हम दूसरी पंक्तियों की ओर जा रहे हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, सुबह वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यहाँ पर देखो दो चित्र भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। एक में जो लड़की है अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रही है, लेकिन दूसरी लड़की जो है उसके मुख पर भी एक प्रकार का भाव है। यानी कि चुप रहने के बहुत सारे फायदे हैं। कई कई जगहों पे हम चुप रह जाते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है और कहीं हमारा एक शब्द भी वहां पे अपना बहुत ही बड़ा नुकसान कर देता है। यानी कि चुप रहने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यानी कहीं कभी अन्याय हो रहा हो, कोई अत्याचार हो रहा हो तो उस वक्त हमें चुप नहीं रहना है। कभी यह नहीं कहते हैं कि आप हमेशा चुप रहे, लेकिन जब भी ऐसा कोई वक्त आए उस वक्त आपको अपना मुंह खोलना है। कोई अत्याचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा हो तो उस वक्त आपने अपनी जुबान खोलनी है। किसी पर भी जुल्म होता देखो तब भी आपको चुप नहीं रहना है। यही सीख हमें कवि इस पंक्तियों के द्वारा देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमेशा हम देखते आए हैं कि कई लोग बेवजह बिना मांगे सलाह मशवरा देते रहते हैं, पर आज के जमाने में तो किसी को भी सलाह मशवरा पसंद नहीं होता है। तो इससे में हम लोग बात बेबात पूरा दिन बकबक करते जाएंगे, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है उस वक्त भी हम बोलते जाएंगे, तो वहां पर हम अपने ही जो अपने अंदर की त्रुटियां है वो उनके सामने प्रस्तुत करते जाते हैं। ऐसे वक्त पर क्या करना है हमें कि चुप हो जाना है। लेकिन जैसे ही कभी कोई गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस वक्त आपको अपनी जुबान खोलनी है। अभी जुबान यह उर्दू वर्ड है, तो जुबान का मतलब हो अपना मुख, जीवा यानी कि बोलना है हमें। तो जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अब ये जो है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले कभी भी हम कुछ कहने जा रहे हैं तो एक दो सेकंड के लिए रुक कर हमें सोचना है कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ या बोलने जा रही हूँ वो सही तो है, कुछ गलत तो नहीं है। अगर मैंने ऐसा कहा तो सामने वाले पर उसका क्या असर होगा, ये भी हमें सोचना है। यानी बहुत ही सोच समझ कर हमें बात कर रखनी है। और दूसरा कवि ने कहा है कि ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। यहाँ पर अपने जो ख्याल है, अपने मन में जो विचार है उसे हमें खुद ही तोलना है। तोलना है मतलब क्या करना है कि सही है या गलत, ये हमें सोचना है।
कभी कभी हम लोग किसी क्रोध में आकर किसी को कुछ बोल देते हैं, लेकिन हमें अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पर रखकर सोचना है कि अगर मैं वहां पर होता और वो मुझे ऐसा बोलता तो मुझे कैसे लगता। ये हमें सोचना है और यही सोच समझ के बाद ही हमें कुछ बोलना है। इसलिए कहा है कि कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, 2-3 सेकंड के बाद आप जवाब दीजिए, लेकिन सोच समझ कर जवाब दीजिए। कभी कभी कोई कहते हैं कि जैसे हमको गुस्सा आता है और गुस्से में जो इंसान है वो इतना कुछ बोल जाता है कि उसको तभी उसका कोई होश नहीं रहता है कि मैंने क्या कहा। कभी कभी हम लोग बहुत गुस्से में हो जाते हैं, उस वक्त कहते हैं कि 1 से 10 तक की गिनती गिनो, तो उसका रीजन क्या है कि 1 से 10 तक की आप गिनती गिनोगे आपका क्रोध थोड़ा शांत होगा, आपको थोड़ा सोचने के लिए वहां पर वक्त मिलता है। तो इस तरह सोच समझ कर बोलना है। जैसे इंग्लिश में भी हम कहावत कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले जरा सोचिए। अब देखिए यहाँ पर दो बच्चों में कोई लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, नीचे वाले दो बच्चे खुश दिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर कवि ने क्या पंक्तियां दी है हम देखेंगे। तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैंने, तू तड़ाक हो मतलब कि झगड़े का माहौल होना, तो तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं। कभी कभी हम लोग झगड़ा करते हैं तभी तू तू मैं पर उतर आते हैं। तू तू मैं यह शब्द ही हमें झगड़ा बताता है, उसका अर्थ ही एक झगड़ा है। तो जब भी हम हमारे साथ हम किसी के साथ में हमारा झगड़ा हो रहा है, सो तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यानी कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो विचार है वो किसी से नहीं मिलते, कभी कभी हमारे मत जो है हमारी राय जो है वो हर एक व्यक्तियों के साथ में भिन्न भिन्न होती है, तो किसी से अपनी राय नहीं जुड़ती, किसी से अपने मत नहीं मिलते, तो उस समय हम लोग का लड़ाई झगड़ा तू तू में हो जाता है। उस समय हमें उसको रोकने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ भी झगड़ा करो या कुछ बहस करते जाओ जिसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अपनी वाणी बर्बाद करते हैं और साथ में ही अपना जो स्टेटस है वो भी वहां पर कम हो जाता है। तो जिस वक्त ऐसे तू तू मैं वाली लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उस समय क्या करना है, हमें अपने आप को टोकना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, इतना ये करने से क्या फायदा है। ये समझ कर अगर हम अपने आप को टोकते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करने से अपने आप को रोकते हैं, अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं, तो वहां पे मामला सुलझ जाता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ भी बात है वो उलझ जाएगी और ना ही आपका उसमें कोई काम बन पाएगा। इसलिए जब भी तू तू मैं हो उस वक्त अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यहाँ पर आपको टोकने कोई नहीं आएगा, अपने आप को मतलब हमें स्वयं अपने आप को रोकना है उस झगड़े से। तो वहां पर क्या कर सकते हैं कि उस बात को टालने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हम एक जन उसमें से चुप हो जाए तो भी क्या हो जाएगा कि झगड़ा रुक जाएगा। जैसे अगली वाली पंक्ति में आया था ना कि चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, तो यहाँ पर अगर दो जन के बीच में झगड़ा हो रहा है, एक जन अगर चुप हो जाता है तो आप देखेंगे कि हमारा जो मसला है वो आसानी से हल हो जाएगा और दोस्ती भी बनी रहेगी, रिश्ते भी बने रहेंगे, क्योंकि शब्दों में छात्रों ऐसी ताकत है कि वो किसी को जोड़ भी सकता है और किसी रिश्ते को तोड़ भी सकता है। तो हमें ये प्रयत्न करना है कि जब भी ऐसा माहौल हो, जब भी ऐसी परिस्थिति आए, हमें अपने आप को रोकना सीख लेना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। अभी देखो पटाखे और रोशनी दोनों हम दीपावली के त्योहार में इस्तेमाल करते हैं। पटाखे की तरह फटने से पहले, जैसे कि पटाखा है वो कैसे फटता है, तब देखो कितना जोर से उसकी आवाज चारों तरफ गूंजती है और इतना दूर तक वो सुनाई देता है। वैसे ही जब भी हमें बहुत ही क्रोध आता है
तभी हम किसी के ऊपर टूट पड़ते हैं, फट पड़ते हैं। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, यानी कि जैसे रोशनी के अलग अलग रंग है, यहाँ पर कवि चाहते हैं कि हम रोशनी के रंग का मतलब है कि प्यार के रंग, हम प्यार के रंग से उस प्रॉब्लम में, उस जो अपनी मुसीबत है, उस परेशानी है, उस घटना पर अगर हम प्यार से अपना परिवर्तन करें तो क्रोध जो है वो वहां पे शांत हो जा सकता है और हमारा जो रिश्ता हमेशा बना रह सकता है। सो पटाखे की तरह फटने से पहले, जो धमाका होता है आप देखते हो पटाखों से, वो फटने से पहले यानी कि उतना क्रोध करके किसी के ऊपर बरस पड़ने से पहले हमें क्या करना है, अपने गुस्से को काबू में रखना है, अपनी जुबान पे लगाम रखनी है और रोशनी के रंग यानी कि प्यार के रंग हमें यहाँ पर फैलाने हैं ताकि हमारा जो है रिश्ता बना रहे, हम जिसके साथ में काम करते हैं, चार जन के बीच में समाज में आपका स्थान उचित बना रहे। ये सब बातों के लिए आपको क्या करना है, किसी के ऊपर क्रोध करने से पहले या तो बरस पड़ने से पहले प्यार से अगर कोई बात बन सकती है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि पहले प्यार से काम निकलवाएं। सो हमें यहाँ पर कवि जो कहते हैं अपने आप पर नियंत्रण रखना है और रोशनी रूपी प्यार के रंग हमें यहाँ पर घोलना है। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन, कटु यानी कड़वे और वचन यानी बोल। अगर हम किसी से बात करते समय कटु वचन का उपयोग करते हैं यानी कि कड़वी बोल का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होने वाला है कि वहां पर कुछ दिख रहा नहीं है। हेलो हेलो, दिख रहा है मिस, दिख रहा है, दिख रहा है। हेलो मिस। हाँ ठीक है। सो कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। तो यानी जब भी हम किसी से बात करते हैं अगर हमने कोई कड़वे बोल बोले हैं तो वो हमेशा के लिए अपने मन में कांटों की तरह चुभते रहेंगे। जैसे क्या होता है कि कभी किसी ने कुछ बोल दिया उस वक्त तो हमें बुरा लगता ही लगता है, लेकिन कई दिनों तक, कई महीनों तक और हो सकता है कई सालों तक वो शब्द जो है हमारे मन में घाव करते रहते हैं। वो कहा जाता है कि तलवार के जो घाव है वो देर सवेर भर ही जाते हैं, लेकिन जो हमारे शब्द के घाव है वो कभी भरते नहीं है, वो देर सवेर हमें, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को पीड़ा देते रहते हैं। यानी तलवार के घाव भर जाएंगे, उसको हम मरहम पट्टी लगाएंगे, दवाई लगाएंगे, लेकिन किसी ने जो कुछ हमारे लिए कड़वी बात बोली है जब भी देखो हमें वो याद आती रहेगी और हमारे भविष्य में भी बार बार उसके लिए हम पीड़ित होते रहते हैं। तो जैसे अगर हम पीड़ित हो जाएंगे, हमें किसी ने कहा है, तो हमें ये सोचना है कि अगर ये शब्द मैं उनको कहूंगा या कहूंगी तो उन्हें भी तो इतना बुरा लगेगा, और दूसरी बात कि अगर आपने कांटे बोए हैं तो उसके फल स्वरूप हमें कांटे ही मिलेंगे, वहां पर फूल तो नहीं होंगे। तो कभी यहाँ पर ये कहते हैं कि कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मीठी बोली रूपी फूल हमें यहाँ पे, फूल के पौधे, गुल यानी के फूल, पुष्प, तो ये गुलों के, इन फूलों के पौधे हमें लगाने हैं ताकि क्या है कि अगर आपने मीठी बोली रूपी फूलों के पौधे लगाए हैं तो आपको उसको आगे चलकर वहां से आपको फूल ही फूल मिलेंगे। बच्चों एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे, यानी कि अगर आपने एक बबूल का पेड़ बोया है, जो बबूल का पेड़ है उसको भी कांटे होते हैं, तो अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है, आवाज नहीं है, एकदम धीरे, एकदम, अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है और आप राह देखते रहेगी कि अरे मेरे पेड़ के ऊपर आम कब आएंगे, ये तो संभव है ही नहीं। तो उसी तरह हमें अपने जीवन में भी कटु वचन रूपी कांटे नहीं बोले हैं, लेकिन मीठी बोली रूपी
गुल रोपले हैं ताकि हमें भी उसका फल जो है मीठी बोली के रूप में ही मिले, क्योंकि हर एक चीज की क्रियाओं का प्रतिक्रिया मिलता ही है। यानी क्या कि अगर हमने अच्छा काम किया तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा काम किया तो उसका परिणाम बुरा मिलता है। सो कभी यहाँ पर कहने चाहते हैं कि कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। यानी हमें यहाँ पर मीठी बोली रूपी गुल रोपने हैं, यानी कि उसके फूल के पौधे लगाने हैं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। देखो कभी कोई साधारण सी बात होती है, लेकिन कभी किसी किसी के मन में कुछ गलत फहमियां हो जाती है और एक दूसरे के प्रति हम लोग दूरी बनाए रहते हैं, या फिर हमेशा के लिए एक प्रकार का रोष हम लोग उसके लिए अपने मन में लेकर बैठते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें अपने आप को ही तकलीफ देते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम जब गुस्सा करते हैं और गुस्सा करने के बाद क्या होता है कि पूरा दिन हमारा व्यर्थ जाता है, पूरा दिन हम वो ही सोचते रहते हैं, यानी मन को भी शांति नहीं मिलती। तो अगर ऐसा जब होता है कि बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यानी अगर कुछ ऐसा हुआ है, आपस में आप प्यार से बात करके उस मैटर को सॉल्व कर सकते हो, उस बात का मसला निकाल सकते हो, तो ऐसे में क्या करना है, चलो बहुत बहस हो गई, हमें पता है कि इसका कोई परिणाम नहीं मिलना है, ये बहस तो ऐसी चलती रहेगी, उसका कोई अंत नहीं है, तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना है कि उस बात को, उस बेबात को, यानी बिना बात, बेबात मतलब बिना बात, बिना बात ऐसे ही कोई हमें कुछ दर्द होता है किसी की बातों से, तो ऐसे वक्त हमें क्या करना है कि बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। तो ऐसे जब बातें चल रही है, ऐसा जब प्रसंग है, तो हम क्या करते हैं कि उस बात को हम टाल देते हैं, चलो छोड़ो अभी ये नहीं, हम और कुछ बातें करते हैं। इस तरह से हमें उस टाइम, उस वक्त, उस बात को मोड़ देना है, यानी कि वो मैटर हम वहां पर क्लोज कर देना है और नए सिरे से शुरुआत करनी है। यानी बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यह आप हमें कवि यह सीख देते हैं। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि ने हमें यह सीख तो दी है कि चुप रहने के बहुत फायदे हैं, लेकिन कवि ने ये नहीं कहा है कि आपको हमेशा होठ सी करके बैठना है। सी करके बैठना मतलब कि सील करके बैठना, हाँ, यानी मुंह बंद रखना। तो कवि ने यहाँ पर हमेशा के लिए मुंह बंद रखने की सलाह नहीं दी है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जब भी जरूरत पड़े हमें अपना मुंह खोलना है। किसी किसी के ऊपर कभी कभी कोई जुल्म होते हैं, वो चुपचाप सहन करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग दो चित्र आपके सामने मैंने रखे हैं, जो पहले वाले में जो लड़की दिख रही है एकदम शांत सी, थोड़ी सी सहमी हुई सी लग रही है कि अरे मैं कैसे बोलूं, कुछ अगर उसके साथ में गलत हुआ है, कुछ अन्याय हुआ है, उसके मन में कुछ विचार चल रहे हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, बोलना नहीं है, ये सोच के अगर हम अंदर ही अंदर घूटते रहेंगे तो हम अपना जो जीवन है उसमें कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम वो ही बातों को बार बार दोहराते रहेंगे और कभी कभी क्या होता है कि मन से वो बात निकलती ही नहीं, उसी में हमारा पूरा दिन, हमारा जो वक्त है पूरा उसी के अंदर व्यर्थ हो जाता है, वही सोच सोच में, और ना ही हम किसी और प्रगति कर सकते हैं, ना ही हम और कुछ नया काम कर सकते हैं, ना ही हम पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं। तो अगर मन में ऐसा कुछ हुआ है या कुछ अन्याय भी हुआ है तो आपको क्या करना है, उस वक्त अपना मुंह खोलना है, यानी कि आपको वहां पे अपनी बात कहनी है, जो भी आप कहना चाहते हो, अपने जो विचार है वो आपको वहां पर रखना है, और तभी आप किसी से जिनके साथ आपका मन मुटाव हुआ हो या फिर किसी के द्वारा अन्याय हुआ है तो आप उसके लिए औरों की मदद लेकर भी अपना जो मसला है वो हल कर सकते हो। जैसे अभी कभी क्लास में भी आपका कुछ किसी के साथ में
प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस वक्त आप चुप ना रह के बल्कि आप अपने टीचर से बात करेंगे। अन्याय हुआ है तो आप उसका सामना जो है डट कर करना है। किसी पर भी अत्याचार हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, तो ऐसे वक्त में आपको अपना मुंह खोलना है। यह सीख हमें कवि यहाँ पर दे रहे हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए सभी बच्चे कितने खुश दिख रहे हैं, एक साथ में सभी लोग प्यार से मिलजुल कर हंसते गाते। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र रखा गया है कि अगर हमारी वाणी में शहद होगा, अगर हम मीठा बोलेंगे, जब भी जरूरत है उतना ही बोलेंगे, आवश्यकता पर ही बोलेंगे, कभी कभी कुछ सोचने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बोलने से पहले हमें सोचना है, अपने विचारों को तोलना है, अपने आप अपना परीक्षण करना है। तो ये सब करेंगे, मीठी बोली रूपी आप जब गुल के पौधे रोपेंगे, तब आपका ये जो चित्र यहाँ पर है वैसा ही आपका भी माहौल बन सकता है। तो छात्रों ये थी हमारी कविता, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। छात्रों ये शीर्षक में ही हमें कवि ने बहुत बड़ी सीख दे दी है, और पूरी कविता में अगर आपने देखा है तो हमें एक ही यह संदेश आपको कवि ने बार बार अलग अलग रूपों से, अलग अलग माध्यमों से, या तो अलग अलग उदाहरणों के द्वारा आपके सामने रखा है कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यहाँ पर मुझे अपने एक संत कबीर हो गए हैं, नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने भी कई रचनाएं करी हैं। उनका एक दोहा है, उसमें भी उन्होंने यही संदेश दिया है, जो दो पंक्तियां हैं मैं आपको अभी सुनाना चाहूंगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और न शीतल करे आप शीतल होय कबीरा, आप शीतल होय। यानी क्या, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी हम जब बोलते हैं ऐसी वाणी बोलनी है मन का आपा, आपा मतलब अहंकार, मन में जो भी अहंकार है वो सब छोड़कर हमें अपनों से कम उम्र वाले हो, कम दर्जे पर हो, या जैसे कि बड़े बड़े अफसर है उनके हाथ नीचे काम करने वाले बहुत से लोग रहते हैं, तो सभी के साथ अपना अहंकार छोड़कर, अपना आपा छोड़कर कैसा बोलना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, खोए मतलब कि आपा छोड़कर, और न को शीतल करे आप शीतल हो, यानी कि और मतलब कि सामने वाले को भी प्रसन्न करे और हम खुद भी प्रसन्न हो, सामने वाले को भी अपनी वाणी से आनंद मिले और हमें स्वयं भी उसका आनंद मिले, यह यहाँ पर कबीर ने भी कहा। तो बच्चों ये हमारी कविता यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा संदेश दे रही है कि हमें जब भी बोले प्यार से बोलना है। हर एक वाक्य की आप दूसरी पंक्ति देखोगे कवि ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सीख लेने के लिए कहा है। अभी हम इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। इस शब्द वाटिका में बेबात यानी कि बिना बात, सीकर इसका अर्थ है सिलकर, जैसे कहा था ना होठ सीकर के बैठो, यानी हमें होठ सिलकर नहीं बैठना है। रोपना यानी कि बोना, यहाँ पर हमें फूल के पौधे जो लगाने हैं यानी मीठी बोली के बीज हमें बोने हैं, इसके लिए रोपना यानी कि बोना, जैसे हम पौधा लगाते हैं उसका, उसको कहा जाता है बीज बोना, सो इस तरह से पौधा रोपना। फूल यानी कि फूल, या तो पुष्प, सुमन, कई नाम है जिसको हम पुष्प के लिए बहुत सारे समानार्थी शब्द हमें यहाँ पर हिंदी में मिल जाते हैं। टोकना यानी कि रोकना, कुछ भी काम करते समय अगर हमसे कोई वहां पर
अनुचित घटना घटने जा रही है, कुछ अनुचित हम बोलने जा रहे हैं, तो उस वक्त हमें अपने आप को टोकना है, यानी कि उस बात को कहने से हमें रोकना है। कटु वचन, कटु वचन यानी कि कड़वे बोल, जब भी बोले मीठा बोले, इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कटु वचन, वो कड़वे बोल हमें बोलने नहीं है। और ख्याल, ख्याल का मतलब है विचार, जब भी हमारे मगज में कोई विचार चल रहे हैं, हम कुछ बोलने जा रहे हैं, उस वक्त भी हमें उसको तोलना है, ख्यालों को खुद तोलना सीखो। यह सभी सीख हमें कवि ने इस गजल से दी है। और अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ बच्चों, लेकिन सभी से एक निवेदन है कि आप अपना हाथ हैंड रेस करेंगे, जिसका नाम मैं बोलूंगी वो ही बच्चा या लड़की मुझे उसका उत्तर देगी। सभी ने साथ में कोरस में आंसर नहीं देना है। निम्नलिखित वाक्य सत्य है या असत्य यह पहचानो। कटु वचन सदा कांटे ही बोते हैं, यह वाक्य सत्य है कि असत्य? ध्रुव सत्य। हाँ बच्चों, एक ही जन उत्तर देंगे, सभी ने एक, सभी बच्चों से निवेदन है एक ही छात्र मुझे उसका उत्तर देगा, बाकी बच्चों का सभी का टर्न आएगा। दूसरा है यहाँ पर होठ सी करके बैठना अच्छी बात है, ठीक है बुरी? सी करके बैठना अच्छी बात है, यस असत्य, ये अच्छी बात नहीं है। असत्य 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 में सत्य। हाँ सभी का मैंने सुन लिया। चलो अभी तीसरा वाक्य है, जरूरत के समय बोलना सीखो। सत्य सत्य। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। सत्य 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 सत्य। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी जो प्रश्न है ध्यान से सुनिए, प्लीज म्यूट योर माइक, अगर म्यूट नहीं रखा तो आप प्रश्न ठीक से नहीं सुन पाएंगी। अब जो प्रश्न है, कवि ने किन बातों को सीखने के लिए कहा है, इस कविता के माध्यम से कवि ने किन बातों को सीखने के लिए कहा है? सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण, सबसे प्यार से बोलना, वेरी गुड, प्लीज 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 प्लीज। एक समय पर एक ही जन उत्तर देगा, कौशल है ना यहाँ पर कोई? कौशल उत्तर दीजिए मुझे। टीचर सही समय पर बोलना, बोलने से पहले सोचना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर वाणी होना, आदि गुणों को अपनाना, आदि गुणों को अपनाने के लिए कवि ने कहा है। वेरी गुड। चलो यही उत्तर मुझे और एक जन दोहरा के बताएगा। ध्रुव मिस, कवि ने जरा प्यार से बोलना सीखने के लिए कहा है। और दूसरा कौन बताएगा? शुभम मिस, अन्याय के ऊपर आवाज उठाने कहा है। वेरी गुड। और मिस पहले सोच ले, मैं युवा वक्त पर खोलना सीख लेने के का है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब प्यार से बोलना सीखो। यस अब दूसरा प्रश्न है, चुप रहने के क्या फायदे हैं? मिस मैं बोलूं? चुप रहने से झगड़े खत्म होते हैं। ध्रुव मिस चुप रहने के बहुत फायदे हैं। मिस जैसे मिस मैं मिस दिमाग तेज काम करता है। वेरी गुड। एनर्जी वेस्ट नहीं होती। यारों बड़े फायदे हैं। ओके। झगड़े सुलझ जाते हैं। सही बात है। सो तो बच्चों देखा हमने यहाँ पर कि जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस कविता के माध्यम से, इस गजल के माध्यम से कवि ने हमें बहुत ही सीख दी है यहाँ पर
की पहली बात थी कि जरा प्यार से बोलना सीखना है, हमें अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना है, साथ में ही कुछ बोलने से पहले हमें सोचना भी चाहिए। और ये भी कहा है कि चुप रहने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे अभी छात्रों ने बताया कि दिमाग तेज चलता है। अभी चुप रहने का और दिमाग तेज चलने का क्या कोई कनेक्शन है क्या? अगर हमारे मन में ये सोच आती है तो ये सही है, क्योंकि अगर हमने किसी से अच्छा बातचीत किया है, किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया है, तो हमारा जो दिमाग है वो शांत रहता है, मन की शांति होती है। और मन शांत रहेगा तभी हमारा दिमाग जो है किसी और चीज में काम कर सकता है, यानी कि मन की शांति रहती है, समाज में भी अपना स्थान बने रहता है। अगर आप किसी को देखो कि वो बार बार झगड़ा उठाते रहता है, झगड़ा करता रहता है, तो समाज में कोई बोलेगा अरे वो जाने दे कैसा है वो, लेकिन आपने उस समय एक नियंत्रण रखा है, किसी के मसले को हल करने में आपने उसको सहायता की है, किसी के लिए आपने आवाज उठाई है, यानी कि अन्याय के सामने आपने अपना मुंह खोलकर किसी को न्याय दिलवाया है, तो ऐसे समय पर क्या होता है कि आपकी जो इज्जत है वो बनी रहती है, आपका समाज में जो आदर सम्मान है वो भी बढ़ता है। तो बच्चों अभी तो आप सभी बहुत छोटे छोटे हो, लेकिन यही जो चीजें इस कविता के माध्यम से कवि ने कही है वो आगे चलकर जीवन में बहुत ही आपको उपयुक्त होने वाली है, इसका बहुत ही फायदा होगा। लेकिन क्या है कि आपको अभी से उसकी आदत डालनी है, कुछ भी कहने से पहले हमें बहुत ही सोचना है कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस जगह पे बात कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चार पांच जन है या तो बहुत सारा ऑडियंस है, उस वक्त अगर आपने किसी के सामने किया है कुछ तो भी अपना शक्ति का प्रदर्शन में कहूंगी कि कुछ बोल के झगड़ा फिसाद आपने बताया है, तो वहां क्या हो जाएगा कि इतने लोगों के सामने आपकी जो इम्प्रेशन है वो डाउन हो जाएगी। कोई भी आपसे बात करने से पहले 10 बार सोचेगा अरे जाने दो इससे कौन बात करेगा, ये तो ऐसा ही है। तो यानी अगर आप ऐसे वक्त में चुप रहते हो, अपने आप को नियंत्रण में रखते हो, तो समाज में आपका जो स्थान है वो बना रहेगा। तो इस कविता का जो हमें सीख देने की कोशिश करी है कवि ने कि प्यार से बोलना, मीठा बोलना, जरूरत पर ही बोलना, आवश्यकता के अनुसार बोलना, ये सब गुण अगर अभी से आप उसके बीज अपने आप में बोएंगे तो आपको जीवन में आगे चलकर इसका बहुत ही बड़ा फल मिलेगा, आपकी प्रगति में कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, तो वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी आज के बाद अपनी वाणी में जरूर से शहद मिलाएंगे और मीठा बोलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।